नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और मैं म्यूजिक फॉर मीनिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूजिक फॉर मीनिंग एग्जैक्टली है क्या, इसे कौन लोग कर रहे हैं और ये आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो म्यूजिक फॉर मीनिंग 2007 में बॉम्बे में शुरू हुआ, मुंबई में, और अभी एक मूवमेंट का रूप ले चुका है। अराउंड 3 सिटीज, भोपाल, मुंबई और फरीदाबाद में ये फैल गया है। तो म्यूजिक फॉर मीनिंग के अब सवाल ये आता है कि इसकी फिलॉसफी क्या है, ये क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। तो म्यूजिक फॉर मीनिंग के कंसेप्ट में कोर बिलीफ ये है, फिलॉसफी में कोर बिलीफ ये है कि म्यूजिक कैन बी मोर देन एंटरटेनमेंट। म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को अपने आप को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। तो और म्यूजिक के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, जैसे कोई सोशल इश्यू है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिससे हम लोगों को चाहते हैं कि वो सोचें और इस बारे में परिवर्तन आए। और ये बात देखी गई है कि म्यूजिक हिस्टोरिकली इस काम के लिए यूज किया गया है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं और भी कामों के लिए यूज किया गया है। जैसे डिवाइन, ऑलमाइटी डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए म्यूजिक इज द मेन मीडियम। और ट्रूबडूर्स का कंसेप्ट है वेस्ट में, जहां पे पीपल गो डोर टू डोर एंड दे टॉक अबाउट सोशल इश्यूज थ्रू म्यूजिक बाय सिंगिंग, यू नो। सो नाउ ये सो म्यूजिक फॉर मीनिंग बेसिकली इज इंटेंट्स हैज 3 मिशंस, यू नो। वन इज दैट इट वॉन्ट्स टू ब्रिंग पीपल, वॉन्ट्स टू यूनाइट पीपल ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, जिससे लोग मिलके बैठे, एक छोटा सा कम्युनिटी गैदरिंग हो और दे फॉरगेट अबाउट देयर वरीज फॉर अ व्हाइल। देन वी टॉक अबाउट मीनिंगफुल थिंग्स थ्रू आवर म्यूजिक एंड ऑल्सो पीपल हैव यर्निंग्स, लोगों की इच्छाएं होती हैं, दे हैव, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जो कुछ प्ले करते हैं, सिंग करते हैं या नाटक करते हैं आर्ट के माध्यम से, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये बातें अच्छी हैं, पर म्यूजिक फॉर मीनिंग इसे अचीव कैसे करना चाहता है और या कर रहा है। तो म्यूजिक फॉर मीनिंग हैज मेजरली 2 components। एक कंपोनेंट म्यूजिक फॉर मीनिंग का लाइव स्मॉल स्केल कम्युनिटी जैम है, म्यूजिकल जैम, जो कि नेचुरल सेटिंग्स में हर संडे को हम करते हैं और ये 3 सिटीज में हुआ करता है मोस्टली। तो म्यूजिक फॉर मीनिंग इन जैम्स के थ्रू ये चाहता है कि लोग मिले, बैठे और एक विलेज लाइक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, जिसमें लोग स्टेज पे चढ़ना, शो ऑफ, ये सब भूल जाएं और थोड़ी देर के लिए बीइंग देमसेल्व्स, अ स्मॉल सिंपल प्लेटफॉर्म, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें और उसके पास सेंसिबल डिस्कशंस भी हो। तो ये जैम्स, ये जो संडे जैम्स हमारे होते हैं म्यूजिकल, ये कुछ इस तरीके से देखते हैं। और जो सेकंड कंपोनेंट है म्यूजिक फॉर मीनिंग का, वो है एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम या फिर ग्रुप, जिसमें मेंबर्स सेंसिबल टॉक्स करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं ऑनलाइन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हु आर करेंटली इन दिस डूइंग दिस आर वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स, जो वीकडेज में कुछ ना कुछ काम करते हैं, एंड वीकेंड्स दे गेट टुगेदर एंड दे डू समथिंग, एंड इन देयर फ्री टाइम्स दे टॉक अबाउट ऑपरेशनल डिटेल्स, लाइक हमें कैसे म्यूजिक फॉर मीनिंग में गेट टुगेदर करना है संडे को, किस टाइम पे मिलना है वगैरह वगैरह, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स सच एज एक सॉन्ग जो हम प्ले करना चाहते हैं उसका रियली मीनिंग क्या है, उससे क्या असर होगा लोगों पे, हम पे, एक्सेट्रा।
तो नाउ अभी सवाल भी आता है कि म्यूजिक फॉर मीनिंग ये कंसेप्ट कौन कर रहा है. तो दिस वॉज स्टार्टेड बाय अ सिंगल पर्सन इन बॉम्बे इन 2007, बट ये स्प्रेड हुआ, लोग इसमें जुड़ते गए एज टाइम पास्ड बाय, एंड नाउ देयर अराउंड 30 पीपल इन 3 सिटीज हु आर एक्टिवली डूइंग दिस. एंड नेम्स ऑब्वियसली यू कैन फाइंड ऑन द वेबसाइट. एंड द अदर क्वेश्चन दैट कम्स is that how do you get involved, you know, that aap bhi kuch karna chahte ho, aapko ek concept pasand aa raha hai, maybe you sing something or you play something, so you want to get involved in this or you have some skill that you want to contribute with. So it's a simple thing, you can just leave a message on the Facebook page that we have, jo end mein is presentation ke flash hoga, so you can leave a message and we'll get back to you in whatever city you are in. But if you are willing to take this ahead in your city, then you have to, you know, talk more in detail ki ye kaise karna hai. Maybe we have a discussion, we have a meeting, and we have one jam by one of the existing members jo aapko karke dikhayenge, and then you can take this forward. Aur believe me, aise hi spread hua hai. The other thing is what kind of recognition has Music for Meaning got. So coming to that, Music for Meaning has been quite well recognized. Times of India, DNA, Hindustan Times, many other media groups, Dainik Bhaskar, Navbharat Times, Radio Mirchi, Red FM have covered Music for Meaning in their news coverage. And so there have been around 20, more than 20 instances over this time period that Music for Meaning has been covered. And it has got lots of recognition. Apart from the media recognition, which can be just a perception of a journalist, how do we know that जो हम करना चाह रहे हैं वो achieve हो रहा है और लोगों को really benefit हो रहा है, उनमें परिवर्तन आ रहा है. So there are, for that, there are hundreds of testimonials on our Facebook page that people have voluntarily shared on our page and also on our website, that they felt happy, they felt transformed, they've become a member, and they have become a regular supporter, and so on, you know. So now the question comes, that another question that obviously comes to your mind is that how do you, if you don't have time to support, you know, don't have time to get involved in MFM, Music for Meaning, then how do you support it other than that? So the answer to that is that we have been an out of pocket charity till now, meaning that हम अपने एक्सपेंसेस अपने पॉकेट से ही स्पेंड एक्सपेंडिचर मैनेज करते हैं, और हम डोनेशंस अभी तक बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे. बट इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ म्यूजिक फॉर मीनिंग, इफ यू आर अ रियल विल विशर, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी. एंड वी समटाइम्स हैव रिक्वायरमेंट्स लाइक स्पीकर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बैनर्स, विच हैव, यू नो, विच कॉस्ट. सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट एनी ऑफ दैट इन काइंड और कैश, यू कैन गेट इन टच over that email ID. So I hope that cleared all of your questions, and I hope you support and you get involved with MFM on an active basis and help us take this forward and benefit more and more people. Thank you.